सुल्तानपुर की बल्दीराय तहसील क्षेत्र के प्रगतिशील किसान जमील की अहमद फ्लोर मिल नंदौली गांव पहुंचे अपर जिलाधिकारी प्रशासन व एसएसपी विपुल श्रीवास्तव, चंदन का पौधा लगाकर बेहतर खेती किसानी के लिए बढ़ाया हौसला। सुल्तानपुर के बल्दीराय में बकाए बिल के भुगतान हेतु विद्युत विभाग द्वारा पारा चौराहे पर लगाया गया कैंप। पिछले कई महीनों से जगह जगह कैंप लगाकर बकाए बिल की हो रही है वसूली। विद्युत विभाग के अधिकारी का कहना है कि चोरी से कनेक्शन लगाकर बिजली का उपयोग करने वालों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई। अमेठी में अनियंत्रित ट्रक ने रिफाइंड तेल लेकर जा रही पिकअप गाड़ी को मारी टक्कर। पिकअप गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। पिकअप में रखा हुआ रिफाइंड तेल का हुआ नुकसान। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के ठेंगहा मालती नदी के पास की है घटना। सुल्तानपुर में गुरु गोविंद सिंह जयंती को पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया दिवस। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डीएम एसपी व कोतवाल भूपेंद्र सिंह व सीडीओ अनुराग वस। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज भी गीत रखा गया, इसमें पूरी भारतीय अस्मिता का चिन्ह आपको दिखाई देगा, जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, किसी भी धर्म का रहा हो। इसमें सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है स्वर्णिम इतिहास में। इसको रेखांकित करने के लिए आज मैंने गुरुद्वारा में अनुमति प्राप्त करने के बाद ये गीत किया। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मरा मिला पक्षी। खेत में मृतक अवस्था में पक्षी मिलने से गांव के लोगों में बर्ड फ्लू को लेकर दहशत का माहौल। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के जंगल टिकरी गांव का है मामला। सुल्तानपुर के इसौली में पूर्व विधायक व स्वर्गीय ठाकुर इंद्रभट्ट सिंह की 22वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कंबल वितरण का हुआ आयोजन। धनपतगंज विकासखंड के कुट्टा गांव में कड़ाके की ठंड को देखते हुए हजारों गरीब लोगों को और जरूरतमंदों को कंबल बांटा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रमुख एवं जिला पंचायत सदस्य यशभद्र सिंह मोनू रहे। इस दौरान आयोजक मंडल प्रधान प्रतिनिधि अनूप सिंह ने आए हुए सम्मानित लोगों को प्रसाद वितरित किया। सुल्तानपुर में आम जनता पार्टी इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी पर बोला हमला। केंद्र सरकार ने देश के किसानों सहित पूरे देश को ही चंद पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखने का विधेयक पारित किया है। यह बात आम जनता पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी मंजूबेन पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। योजना तो हमारी यही बेईमानों को गद्दी से हटाने का, और जो अभी चमचा राज चल रहा है उस पर हमारी लड़ाई। और सुल्तानपुर को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, और मैंने यहाँ पे देखा है कि एक बार माँ आई और एक बार बेटा आया है, दोनों ने जम के लूटा, काम कुछ भी नहीं हुआ है। इसी के लिए मैं यहाँ पे अपने क्षेत्र से खुद आई हूँ। अमेठी में नेहरू युवा केंद्र की युवा समन्वय अधिकारी डॉक्टर आराधना राज ने 5 विकास खंडों के स्वयं सेवकों के साथ की समीक्षा बैठक। स्वयं सेवकों से कार्य योजना की जानकारी लेते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों के खाते में आवास हेतु ऑनलाइन 6,10,000 लाभार्थियों को प्रथम किस्त व कुछ को द्वितीय किस्त की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की गई। इस योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन संबोधित भी किया गया। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।